बच्चों, आज हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं चैप्टर फ्यूचर किंग की। तो ये आपके सामने आपका वोकैबुलरी है, इसके हम वर्ड मीनिंग करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है बैरन। बैरन जो है इसका मानी होता है बंजर, बंजर जमीन को बैरन कहते हैं। और ड्राई, ड्राई होता है खुश्क, जैसे बारिशें ना हो तो जमीन खुश्क हो जाती है। डायरेक्टेड का मतलब होता है हदायत देना, किसी को डायरेक्ट करना। और इसी तरह ऑर्डर्ड का मतलब होता है हुक्म देना। ये एक मिलते जुलते अल्फाज हैं। इसी तरह स्नब्ड का मतलब होता है धुतकारना। और इसी तरह एक और इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है स्कोल्डेड, झिड़कियाँ देना, डांटना। और फिर ये अगला लफ्ज़ है सैपलिंग। सैपलिंग कहते हैं कोम्पल को, नोखेज पौधे को। और अ न्यू प्लांट, नया पौधा, पुराने पौधे के साथ नए पौधे निकलते हैं। और मिसकंडक्ट कहते हैं बुरा सलूक करने को, किसी को मारना पीटना। और जो बैड बिहेवियर होता है वो भी बुरा रवैया होता है। तो बैड बिहेवियर की अगर हम मिसालें देखें तो इसमें होता है गंद फैलाना, जो गार्बेज की बास्केट होती है उसको नीचे गिराना, किसी जानवर को तंग करना, जो है अपने जो बच्चे हैं, कोलीग्स हैं आपके साथ जो क्लास फेलोज हैं, उनका मजाक उड़ाना, किसी के बाल खींचना, लड़ाई झगड़ा करना और गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये सारी बातें बैड बिहेवियर में आती हैं, इसे हमें बचना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस कहते हैं हम इजहार को। जैसे हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे से हैप्पीनेस का इजहार होता है, हम उदास होते हैं तो हमारा फेस बता देता है, हैप्पी होते हैं तो हमारा फेस बता देता है। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं हमारे चेहरे पे जाहिर हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेशन जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो जो उसकी वैल्यूज लिखते हैं उनको भी एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो ओपिनियन जो होती है वो किसी के राय देने को ओपिनियन कहते हैं। जो हमारा नॉलेज होता है उसके मुताबिक हम अपनी राय का इजहार करते हैं। तो हमारी राय जो है वो ठीक भी हो सकती है, और हमारी अगर हमारा इल्म कम हो तो हम अपनी राय का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो एक होता है आस्क, पूछना, और उसका जवाब देना जो है वो रिस्पॉन्स कहते हैं। तो आप जब भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको अच्छी तरह समझें और सोच समझ कर उसका रिस्पॉन्स दें। तो अब ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। इन माई ओपिनियन ही इज़ करेक्ट, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही है। और इसका देने वाला क्या जवाब देगा, आई टू एग्री विद यू, मैं भी आपसे इतफाक करता हूँ। आई डोंट थिंक सो बट यू नेवर नो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा लेकिन आप नहीं जानते। आई ऑल्सो हैव सम डाउट्स, हाँ मुझे भी इसके बारे में कुछ शक है। फिर आगे है, इन माई एक्सपीरियंस बाइसिकलिंग विदाउट अ हेलमेट इज नॉट सेफ, कि मेरे ख्याल के मुताबिक हेलमेट के बगैर जो है वो बाइसिकल करना जो है वो सेफ नहीं है। आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ इत्तफाक नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप बाइसिकलिंग करें तो आप हेलमेट पहन कर करें, क्योंकि ये सेफ है। एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप चोट लगने से पहले अपना बचाव कर लें, कि खुदा ना खास्ता आप बाइक से गिर भी जाएं तो हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा जो होता है वो दिमाग होता है, और दिमाग को एक दफ़ा चोट लग जाए तो ठीक नहीं होता। तो अगर आप बाइक से नीचे भी गिर जाएं तो हेलमेट पहनना हो तो सर बच जाता है। तो इसके लिए जब भी आप साइकिलिंग करें तो अपने आप को सेफ रखने के लिए हेलमेट ज़रूर पहने। फिर है, मे बी शी वॉज अनहैप्पी विद दीज चेंजेस, उसका जवाब होगा मे बी यू आर राइट, कि मेरा ख्याल है तुम बिल्कुल ठीक हो। तो प्यारे बच्चों, राय देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए इल्म बढ़ाएं। इल्म तभी बढ़ता है जब आप किताबें पढ़ते हैं। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, कहानियों की किताबें पढ़ें, बच्चों के रिसाले पढ़ें, और इसके अलावा अच्छे लोगों के पास बैठें। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसको
चैनल को सब्सक्राइब करें।